सबसे पहले जब आप लोग अपने इंस्टाग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो एंड ओपन करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है तो उसको यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे व्हाट्स योर नेम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका जो नाम है वो लिख देना है। इसके बाद क्या करना है कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा। सो यहाँ से आपको कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड किस तरीके का होना चाहिए आपको मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें होना क्या चाहिए कि लेटर भी होना चाहिए एंड नंबर भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जी के लिख देता हूँ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको लिखना है, जो कि आपका 6 लेटर का पासवर्ड होना चाहिए। तो देख सकते हो अभी मेरा 8 लेटर का पासवर्ड हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे सेव योर लॉगिन इन्फो का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहां पर सेव भी कर सकते हो या फिर आप लोग नॉट नाउ भी कर सकते हो। सो यहां से मैं नॉट नाउ कर देता हूं। इसके बाद हमसे यहां पे मेरा बर्थडे पूछा जाता है, तो मैं अपना बर्थडे यहां पे सेलेक्ट कर लूँगा। देख सकते हो कोई भी यहां पे मैं बर्थडे सेलेक्ट करके सेट पे क्लिक कर देता हूं एंड यहां पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पे हमें यूजर नेम बनाना होगा, जो यूजर नेम आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का होगा। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम जो है वो किस तरीके से बनाना है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसा कि मेरा नाम गौरव है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं गौरव लिख लेता हूँ। गौरव लिखने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे कोई नंबर वगैरह ऐड कर दूंगा तो मेरा यूजर नेम हो जाएगा 789। ठीक है, देखते हूँ पहले ये लेता है या नहीं। तो ये नहीं ले रहा है। जैसे नहीं लेगा, आप 1 2 बार 3 बार इसमें ट्राई करोगे, उसके बाद इंस्टाग्राम खुद यहाँ पे सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा यूजर नेम यहाँ पे चाहिए। देख सकते हो इस तीनों में से कोई सा यूजर नेम ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला यूजर नेम ले लेते हैं। जब यहाँ पे टिक लग जाता है तब आप लोग का यूजर नेम वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। अगर आप लोग मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो मोबाइल नंबर देके नेक्स्ट कर दोगे। अगर आप लोग मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हो, अगर आप लोग ईमेल से इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको नीचे साइन अप विथ ईमेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग ईमेल से भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को साइन अप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ईमेल दे देता हूँ, साइन अप विथ ईमेल पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपना एक ईमेल देकर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप लोग नंबर दिए होंगे तो आपके नंबर पे कोड गया होगा, ईमेल दिए होंगे तो आपके ईमेल पे कोड गया होगा। उसी ईमेल के कोड को यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट करना है। देख सकते हो मैंने अपना ईमेल का कोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एग्री टू इंस्टाग्राम टर्न ऑन पॉलिसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट होगा वो बिल्कुल यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। जैसा कि अभी आपको मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी बन चुका है, लेकिन अभी इसमें प्रोफाइल ऐड करने को बोला जा रहा है। तो अगर आप लोग प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो स्किप कर दोगे। अब यहाँ पे आपको वेलकम लिखा आ जाएगा, यानी आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ भी मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, यहाँ भी मैं स्किप कर दूंगा। अगर आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जाता है।